नमस्कार, मुकनाक इंडिया टीवी से मैं हूं आशिक। स्वाति मालीवाल का उस जाना वहां पर सीएम केजरीवाल के घर पर और वो हंगामा हो, उसके पहले एक दो दिन पहले सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल से घर पर आए, ये घटनाक्रम देखिए। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से छूटकर आए और उसके दूसरे दिन स्वाति मालीवाल का वहां जाना, उनके घर जाना और फिर एलिगेशन लगाने के वहां पर मारपीट हुई, उनके पीए ने उनको मारा है। इतना बड़ा ये संजोग है कि क्या हो सकता है, स्वाति मालीवाल के पीछे कौन हो सकता है? ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी साजिश की जा रही है अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल में डालने की, बहुत बड़ी साजिश है। कोई ना कोई ऐसा कदम उठाया जाता है कि अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल में घुसा जाए और फिर ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शन जो हो रहे हैं उस इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल को कहीं जाने की अनुमति ना मिले, उनका प्रचार प्रसार ना करे और बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार चुन कर आए, इसलिए ये एक कंस्पायरेसी का हिस्सा है ऐसा मुझे लगता है और हर कोई समझ गया है कि ये कंस्पायरेसी का हिस्सा है। स्वाति मालीवाल से मारपीट करना या हो सकता है कि झूठे एलिगेशन लगा अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल में डालने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। धन्यवाद।